देखिए मशरूम, देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम। इसमें डालेंगे प्याज, मिर्ची, टमाटर और लहसुन। अब इधर तेल गर्म हो रहा है, अब इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 300 प्याज कटा है, कट के डाल दिया। थोड़ा सा लाल होने पर भूजेंगे। अब देखिए हो गया है थोड़ा लाल, इसमें डालेंगे हम अदरक। उसके बाद टमाटर, मिर्ची सब एक बने। उसे मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको दम देंगे। देखिए अब गल के ऐसा हो गया। अब डालेंगे इसमें मसाला, पेस्ट, मसाला पेस्ट और हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद तो मिक्स करके अब इसमें डालेंगे मशरूम। ये हम लोगों का, मेरा भाई ने उपजाया है ये मशरूम, अपना घर का है, ऑर्गेनिक है। देखिए मेरा भाई है, अपना खेती करता है इसका मशरूम का, उसने लगाया था तो मेरे को भेज दिया था, तो मैं बना रही हूँ उसको। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट बाद तो अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको और 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं अच्छे से पकने के लिए। देखिए मिक्स होके कैसा अच्छा लग रहा है, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी लेके आएंगे बाज़ार से, खरीद के बाज़ार में मिलता है, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी खाइएगा। 2 मिनट के लिए ढक। अब देखिए ये इस तरह हो गया, इसको थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए और बंद कर देते हैं। देखिए अब रेडी हो गया ये, रेडी हो गया मशरूम। अब इसको सर्व करेंगे, चावल, रोटी, पराठा, जो चीज़ के साथ खा सकते हैं आप लोग। अभी के लिए बाय बाय।